और वहीं पश्चिम बंगाल का अब क्या जिक्र यहां पर कर लेते हैं, जहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट से बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है, ममता सरकार को बड़ा झटका। 2016 में की गई शिक्षक भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। 2016 में जो नियुक्तियां की गई थी शिक्षकों की, उन्हें हाईकोर्ट ने रद्द किया है। राज्य स्तरीय टेस्ट के जरिए इन भर्तियों को किया गया था, जिस पर बड़ा झटका ममता सरकार को देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द किया है। 2016 में बंगाल सरकार की तरफ से एक राज्य स्तरीय टेस्ट के जरिए इस भर्ती को करवाया गया था, जिन नियुक्तियों के को अब हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका देते हुए रद्द किया गया। और बड़ी खबर, सियाचिन दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जवानों का हौसला रक्षा मंत्री ने यहां पर बढ़ाया है, मुलाकात यहां पर जवानों के साथ की है। रक्षा मंत्री ने जवानों को मिठाई खिलाई, भारत माता की जय के नारे लगे और राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी है। तो सियाचिन पहुंचे हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां हमारे जवान सियाचिन में जो तैनात हैं, इन मुश्किल हालातों में भी लगातार भारत माता की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की, उन्हें मिठाई खिलाई, उन तमाम जवानों का हौसला उन्होंने बढ़ाया और साथ ही हमारे वीर जवान जिन्होंने अपने प्राणों की का जो सर्वोच्च बलिदान है वो भारत माता के लिए दिया, उन्हें श्रद्धांजलि भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अर्पित की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सियाचिन से, तस्वीरें जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां मौजूद हैं। आपके सामने हैं सियाचिन दौरे पर पहुंचे हुए रक्षा मंत्री, जवानों के साथ उन्होंने वक्त गुजारा और वहां देखिए किस तरह से हाई जोश है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, उसके बाद देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। विकास पर बोले सीएम योगी, कहा विकास और विरासत मोदी जी की पहचान है, 10 साल में हुए विकास के अद्भुत कार्य, एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी सरकार। कांग्रेस पर सीएम योगी का हमला, कहा कांग्रेस के राज्य में बना एक एम्स, पीएम मोदी के शासन में बने 22 एम्स। सीएम योगी ने कहा 500 साल बाद अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ, पहले 500 लोग भी अयोध्या आ जाते थे तो संकट खड़ा हो जाता था। आतिशी ने ईडी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी का ईडी प्रशासन कोर्ट को कर रहा है गुमराह करने का काम, तो केजरीवाल के खिलाफ की जा रही है साजिश। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगी, आतिशी का बयान, कहा आग कैसे लगी इसकी भी जांच होगी। बीजेपी डेलीगेशन ने किया गाजीपुर लैंडफिल का दौरा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी रहे मौजूद। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला, कहा आम आदमी पार्टी ने किए झूठे वादे, यहां भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग पर आप सांसद संजय सिंह का बयान, एमसीडी के सभी अधिकारी मौके पर मौजूद, जल्द आग पर काबू पाया जाएगा। राजस्थान के टोंक से बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर सिंह का बयान, कहा पीएम ने किया सभी को एकजुट, योजनाएं देश के हर घर तक पहुंच रही हैं, चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। राजस्थान के टोंक से कांग्रेस उम्मीदवार हरीशचंद्र मीणा का बयान, कहा राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, सभी धर्मों और सभी जातियों की पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस नेता रमेश कुमार ने पीएम मोदी पर दिया विवादित बयान, पूर्व स्पीकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया शनि।
उधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एनआईए की छापेमारी, आतंकी साजिश को लेकर 14 ठिकानों पर रेड, तो एनआईए के रडार पर पाकिस्तानी आतंकियों के मददगार। कर्नाटक के बेलगावी में जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर पीड़िता को ब्लैकमेल करने का भी आरोप। कर्ण की राजनीति कर रही है कांग्रेस की सरकार, बीजेपी का यह आरोप है। हुबली कांड के विरोध में कर्नाटक बंद का आह्वान किया गया है। एबीवीपी और बीजेपी इस तरह से प्रदर्शन कर रही है, अब ये प्रदर्शन उग्र हो चुका है। इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक दौरे के दौरान जो मृतक लड़की है उसके परिवार से भी मुलाकात की थी। वही सीबीआई जांच की मांग भी इस पूरे मामले को लेकर अब जो है की जा रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। और आपको बताएं, इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था को भी ध्वस्त इस वक्त बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होती है तब तक इसी तरीके से विरोध जारी रहेगा। हुबली कांड पर दरअसल ये कर्नाटक बंद का आह्वान आज किया गया, जिसके बाद बीजेपी उग्र प्रदर्शन यहां पर कर रही है। 3 तस्वीरों में आप देख रहे हैं जहां, वहीं सख्त एक्शन की मांग लगातार यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि नेहा नाम की छात्रा जिसकी चाकू से गोद कर फैजल नाम के शख्स की तरफ से हत्या कर दी गई थी, इस पूरे प्रकरण में जहां पर फैजल को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं अब इस पूरे मामले की सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग इसमें की जा रही है। लव जिहाद के एंगल से जांच हो ये भी मांग इस पूरे प्रकरण को लेकर की जा रही है। कानून व्यवस्था कर्नाटक में ध्वस्त है, ये तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने कर्नाटक दौरे के दौरान नेहा के पिता से उन्होंने मुलाकात भी की, सांत्वना ढांढस उन्हें बधाया और साथ ही कहा कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। और वहीं अब पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी हमलावर रुख में आ चुकी है और साथ ही जो प्रदर्शन है, जो कर्नाटक बंद का आह्वान है, वो भी आज यहां पर किया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, जहां बताएं कि हुबली में छात्रा की हत्या मामले में नेहा के पिता ने सीबीआई जांच की मांग रखी है। पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है पिता का ये कहना है। पीड़ित परिवार से इससे पहले जेपी नड्डा ने मुलाकात भी की थी और परिवार की ये मांग है कि अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि पुलिस की जांच से वो संतुष्ट नहीं है। क्या कुछ उनके पिता ने मांग रखी है आपको सुनना। मेरी बेटी को आत्मा का शांति दो, कोई और बेटी देश में मरना नहीं चाहिए, किसी का हत्या नहीं होना चाहिए, और जितने भी पढ़े आज उनको आतंक में वो घूम रहे हैं। आज उनका कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स, हॉस्टल में जितने भी लेडीज़ थे सब चले गए, जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हायर एजुकेशन करने के लिए आए थे सभी लड़के लोग, सब पेरेंट्स वाले अलर्ट हो गए और उनको घर पे बुला लिया और आज कॉलेज भेजने के लिए भी मना कर रहे हैं। और डर पैदा हो गया, उस डर को दूर करना किसका काम है, प्रशासन का काम है, पुलिस प्रशासन। आज हमारे नेहा का ही तो मृतक लड़की के पिता नेहा को आपने सुना जो मांग कर रहे हैं जांच की, और साथ ही सबको सतर्क रहने की बात करें। जरा हुबली कांड पर बीजेपी के आरोपों पर प्रियांक खड़गे जो कि कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि सारे सरकार के द्वारा उठाए गए हैं, जरूरी गिरफ्तारियां भी की गई हैं और बीजेपी पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। प्रियांक खड़गे जो कि मंत्री हैं कर्नाटक सरकार में, वो कह रहे हैं कि हम सारे जरूरी कदम उठा रहे हैं, जरूरी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन राजनीति हो रही है, सारे जरूरी कदम उठाए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि नेहा के पिता खुद कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उनकी बेटी किस तरह से हत्या होती है, और उस मामले में अब बीजेपी ये कह रही है कि खुद कर्नाटक की सरकार तुष्टीकरण के चलते इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, और अगर बात करें लोकसभा सीट हैदराबाद की, जहां पर बीजेपी की ओर से माधवी लता और दूसरी तरफ एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच कड़ी टक्कर है। इस पर मामले में आपको बताएं कि जिस तरीके से माधवी लता ने एक काल्पनिक तीर छोड़ा, उसका वीडियो वायरल हुआ और अब इस पर FIR दर्ज की गई है। माधवी लता कह रही है कि यह सब कुछ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के इशारों पर हो रहा है, लेकिन सच को सामने आने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जितना भड़काना चाहते हो भड़का लीजिए उन मुसलमानों को जो ये सच्चाई समझने पर अपने आंख बंद कर बैठे हैं। किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे,
ये जो बंदा मेरे ऊपर FIR किया है, मुझे पता है ये भी इनका एक कीट तोता है। हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता ने काल्पनिक तीर क्या छोड़ा, पूरी ओवैसी ब्रिगेड एक्टिव मोड में आ गई। माधवी लता के खिलाफ बेगमगंज बाजार पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई गई। खुद पर हुई FIR के बाद बीजेपी की फायर ब्रांड बन चुकी माधवी लता ने कटाक्ष किया। माधवी लता का कहना है कि रामनवमी के त्योहार का माहौल था, ऐसे में तीर छोड़ना प्रतीकात्मक था। आगे लोग पटाखे चलाने पर भी FIR कर देंगे। ये लोग मोबाइल के जरिए मामले को किसी और ही दिशा में घुमा रखे हैं। हमने उस दिन एक त्योहार के महोत्सव के जैसा वहाँ पे जैसे दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, हमने रामबाण चलाई है। अभी कोई पटाखे जलाते हैं तो आप बोलेंगे कि आप पटाखे इसलिए जला रहे हो क्योंकि मस्जिद को आप कुछ करना चाहते हो। इसी प्रकार से ये तीर का भी एक नया अंदाज से एक कमेंट हमारे ऊपर, एक गलत बात हमारे पे दर्ज किया गया है। हालांकि उस मोबाइल में कहीं पे भी जहां तीर चला रहे थे मस्जिद नहीं था। अभी आप उस फोन को कोई और दिशा में दिखाना चाह रहे हो तो मस्जिद ही नहीं, कुछ और भी आप दिखा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। इतना ही नहीं, माधवी लता ने अज़दुद्दीन ओवैसी को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अब उनके सच को वो एक एक कर बाहर लाएंगी। साथ ही खुद पर FIR कराने वाले को उन्होंने ओवैसी का तोता बताया है। ये जो बंदा मेरे ऊपर FIR किया है, मुझे पता है ये भी इनका एक कीट तोता है। मुझे पता है इनका एक ऐसा बंदा है जो इनके नाचता है इनके इशारों पर, पता नहीं उसका क्या है। ये लोग डरा के करवा रहे, धमकी देकर करा रहे, लेकिन असद जी मैं आज बता रही हूं, सारे जितने वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज आपने हड़पे ना, वो और मंदिरों के जमीन भी जितने भी कब्जा हुए, मैं पूरा बाहर निकाल रही हूं। घड़ी आपका शुरू हो गया, आप जितना भड़काना चाहते हो भड़का लीजिए उन मुसलमानों को जो ये सच्चाई समझने पर अपने आंख बंद कर बैठे हैं। अब तक शांत बैठे ओवैसी भाईजान भी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। पहले फेज के चुनाव तक काफी शांत दिखाई दे रहे अज़दुद्दीन ओवैसी ने काल्पनिक तीर वाले मुद्दे के बाद अपने भाषणों की लाइन लेंथ ही बदल दी। ओवैसी अपने चुनावी भाषणों में 13 मई को होने वाली वोटिंग में तीर वाले वीडियो को ध्यान में रखकर वोट देने की अपील कर रखे हैं। की तरफ मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे, अब भी आप वोट नहीं देंगे, अब भी आप समझेंगे कि नहीं नहीं असद साहब अब मजलिस जीत जाएगी। मेरे भाई अगर एहसास है, तकलीफ है उस इबादत गाह के लिए, अगर तकलीफ है तो कम से कम मजलिस के लिए नहीं तो कम से कम उस इबादत गाह की अजमत के लिए तो निकल करो, डालो मजलिस के लिए। खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा बताने वाले ओवैसी वोट बैंक साधने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को